कि इस वीडियो में ये समझते हैं कि आखिर मनरेगा क्या होता है, आखिर इसमें लोगों को काम किस तरीके से दिया जाता है, आप इसमें कैसे ऐड हो सकते हैं, आपको इसमें क्या क्या काम करने होते हैं, किस तरीके से आपको इसमें पैसा दिया जाता है काम के बदले, कितना आपको पैसा दिया जाता है, आखिर मुख्य आपको पैसा भी इसमें दिया जाता है काम में, मतलब कि आपको कार्ड बनवाना होता है तब आपको यहाँ पर पैसे आते हैं, तो किस तरीके से आप बनवाएंगे, कैसे होता है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन समझेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर मनरेगा में मुखिया लोग कैसे घोटाले कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कितना 90% पैसा तो यहाँ पर मुखिया ही घोटाले कर लेते हैं, तो वो कैसे करते हैं, आप इसका लाभ कैसे लेंगे, वो तमाम सारी इन्फॉर्मेशन समझेंगे कि आखिर मनरेगा को लाया क्यों गया था, आखिर भारत में इस तरीके से मतलब कि एक मनरेगा योजना को लाया क्यों गया था, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए मनरेगा को वास्तव में रोजगार को बढ़ाने के लिए लाया गया था, यानी कि जब मनरेगा की स्थापना हुई थी 1991 में, तो उस समय भारत में रोजगार बहुत ही कम गया था, यानी लोगों को सही से काम नहीं हो रहा था, यानी कि उनके पास काम ही नहीं था कि आखिर वो लोग काम क्या करें, यानी कि भारत के जो मजदूर थे उनके पास काम ही नहीं थे, तो इसी कारण इस मनरेगा को लाया गया। और इस मनरेगा में आपको पैसा मतलब कि इसमें क्या था कि आपको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहा गया मनरेगा में कि आपको ऐसे नहीं पैसा दिया जाएगा, आपको काम करा करके पैसे दिए जाएंगे। मान के चलिए आपके गाँव में कहीं पर कुआं खुदवाना है, कहीं पर नहर बनवाना है, नहर साफ़ करवाना है, तो यहाँ पर आप मनरेगा के लोग ही काम करेंगे और उस मनरेगा के तहत उन्हें पैसा दिया जाता है। तो वही क्या क्यों कि जब 1991 में यानी कि 1991 में ये जब लाया गया था, तो उसमें भारत में रोज़गार बहुत ही कम थे, तो इसी कारण क्या हुआ कि लोगों को रोज़गार देने के लिए मनरेगा लोगों को लाया गया। इसमें ये कहा गया कि लोगों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन उसको काम करेंगे तब ही पैसा दिया जाएगा, यानी कि लोग जैसे कि मतलब कि मजदूर मतलब कि उस समय क्या था कि रोज़गार था ही नहीं, तो लोग को ऐसे पैसे देने से अच्छा था कि उन्हें क्या किया जाए कि कुछ काम दे दिया जाए, वो काम करेंगे उसके बदले उन्हें पैसा दिया जाए, तो इसी कारण ये मनरेगा को लाया गया था। तो अगला ये समझ, देखिए पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसे नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, यानी कि पहले इसका नाम क्या था नरेगा, बाद में इसका नाम क्या हो गया मनरेगा। देखिए यहाँ पर नरेगा का भी फुल फॉर्म लिखा हुआ है, देखिए नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और देखिएगा मनरेगा का नीचे फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि इसमें बस महात्मा गांधी को लगा करके इसे मनरेगा कर दिया गया था, बाद में इसे किया गया था। अब आगे ये समझ लेते हैं कि आखिर इनकी स्थापना कब हुई थी। देखिए यहाँ पर इनकी स्थापना पी वी नरसिंह राव जो कि अभी मतलब कि अभी भारत में नहीं है, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 दिसंबर 2004 को यहाँ पर देख सकते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने ही 1991 में सर्वप्रथम भारत में लाया था मनरेगा को, मतलब उस समय तो उनका नाम नरेगा था, तो नरेगा को सर्वप्रथम 1991 में लाया गया था, लेकिन वास्तव में ये पारित नहीं था। वास्तव में पारित कब हुआ, तो 2005 में आकर के, यानी कि इधर का 2005 में आकर के ये संसद द्वारा पारित हुआ था, लेकिन भले ही 1991 में नरेगा को लाया गया था, लेकिन पीवी नरसिंह राव थे जो कि ला दिए थे, लेकिन वास्तव में ये संसद में कब पारित हुआ, तो 2005 में संसद में पारित हो गया था। तो आगे ये समझ लेते हैं कि आखिर इनमें कब मतलब कि जब ये इसे लाया गया था शुरू में क्या, जैसे कि नरेगा को लाया गया तो शुरू में क्या किया कि कुछ लोगों को मतलब कुछ गांवों को ट्रायल में किया गया, यानी कि देखा गया कि उसमें कि सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले 2005 में तो लाया संसद द्वारा पारित हुआ, तो 2 फरवरी 2006 को यानी कि 2005 में पारित होने के 2 फरवरी 2006 में यानी कि एक साल बाद 200 विलेज को रखा गया, यानी कि 200 गांवों को उसमें रखा गया नरेगा के तहत। तो देखा कि कुछ अच्छा विकसित हो रहा है, यानी कि इससे कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो इसी कारण फिर क्या किया कि 1 अप्रैल उन लगभग उसके एक साल बाद यानी कि 2006 के बाद 2007 में कब 1 अप्रैल 2007 को फिर से 130 विलेज को रखा गया। तो देखा कि काफ़ी अच्छा रोजगार मिल रहा है लोगों को, यानी कि हमारा देश जो है विकसित हो रहा है, तो क्या किया गया कि फिर 1 अप्रैल उसके फिर एक साल बाद यानी कि 1 अप्रैल फिर 2008 में यहाँ पर 130 विलेज नहीं संपूर्ण भारत में ही ला गया था, यहाँ पर गलती से 130 विलेज लिखा गया, तो यहाँ पर ये समझिए कि 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में ये नरेगा को ला दिया गया, यानी कि सबसे मतलब कि संपूर्ण भारत में कब से हो गया, तो 1 अप्रैल 2008 से ये संपूर्ण भारत में हो गया, यानी कि 1 अप्रैल 2008 से ये संपूर्ण भारत में हो गया। तो अगला ये समझ लेते हैं कि आखिर इसमें इसकी विशेषता क्या, यानी कि लोगों को रोज़गार किस तरीके से दिया जाएगा, इसमें लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें आपको साल में 100 दिन रोज़गार दिया जाएगा, यानी कि साल में 365 दिन होते हैं, तो आपको 365 दिन में से आपको 100 दिन इसमें काम दिया जाएगा, एकदम ये कंपल्सरी है, आपको दिया जाएगा तो दिया जाएगा,
कैसे भी करके, यानी कि गांव में नहर सफाई हो, किसी न किसी कार्य को कर करके आपको साल में 100 दिन आपको इसमें काम दिया ही जाएगा। मतलब इसमें कार्ड बनवाना होता है, तो कार्ड कैसे बनता है हम आपको आगे बताते हैं। तो कार्ड बनवाने होंगे तो आपको इसमें 100 दिन जरूर से जरूर इसमें काम दिया जाएगा, यानी कि आपको इसमें कितने दिन, 365 दिन में आपको इसमें 100 दिन रोजगार एकदम फिक्स है कि आपको मिलेंगे। दूसरा, एक आपको सर्टेन एरिया में मतलब कि आपको मजदूरी करने के लिए भेजेगा, यानी कि ये नहीं कि वो 10 किलोमीटर दूर के भेज दे। मतलब कि मान के चलिए आपका ये गाँव है, तो एक रेडियस में मान के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर जाकर के काम करना है, यानी कि 5 किलोमीटर के अंदर में हो, मतलब कि 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस में यानी कि ब्यास में उतना ही दूर के क्षेत्र में उन्हें काम देना है, उससे ज़्यादा दूर उन्हें काम नहीं देना है। तो दूसरा तो ये इसकी विशेषता हो गया। तीसरा इसकी विशेषता है, अगर कहीं सूखा क्षेत्र है या तो बाढ़ग्रस्त ये सब जो क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर उनके मतलब कि एक व्यक्ति को मतलब कि साल में 150 दिन काम दिया जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपको सूखाग्रस्त क्षेत्र नहीं है तो आपको 100 दिन साल में काम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मान के चलिए कहीं पर सूखा मतलब कि सूखा क्षेत्र है या तो जनजातीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर 150 दिन उन्हें काम देना चाहिए, यानी कि 50 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अगला, अगर मान के चलिए मनरेगा में महिलाओं को रखा जाएगा, यानी कि मनरेगा में महिलाओं को रखना जरूरी है, और कितना रहना चाहिए, तो 1/3 भाग मनरेगा में महिलाओं को रखना जरूरी है। मान के चलिए किसी गांव से 300 लोग मनरेगा में है, कितना लोग है, 300 लोग मनरेगा में है, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 100 लोग, यानी कि 100 लोग इसमें महिला होना चाहिए, तभी यहाँ पर मनरेगा चलेगा, वरना मनरेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर यह था कि यहाँ पर आपको महिलाओं को रखना है, यानी कि कितना, 1/3 महिलाओं को यहाँ पर रखना है। तो मनरेगा में ये भी कि आपको 1/3 महिलाओं को रखना है। मान के चलिए किसी गांव में 100 मतलब 300 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 100 महिलाओं को होना जरूरी है। तो अगला ये समझते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं मजदूरी के। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा, यहाँ पर 1948 में देख सकते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया था, न्यूनतम मजदूरी एक्ट जिसे कहते हैं। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अभी जो उस समय का जो रेट था वो 98 रुपया के आसपास था, लेकिन महंगाई बढ़ती गई, तो यहाँ पर अभी का जो बात कर रहे हैं 2022 में जो अभी चल रहा है, अभी एकदम करेंटली का बता रहे हैं, यहाँ पर है 189 रुपये अभी चल रहा है, मात्र 200, मान के चलिए 200 से भी कम। कोई भी मजदूर सोच सकते हैं कि आपके घर अगर काम करने आता है तो कम से कम तो आपको इससे 400 रुपया लेता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इनको इन्हें कितना पैसा दिया जा रहा है, 189 रुपया, यानी 190 रुपया, मानिए ना 190 रुपये दिए जा रहे हैं, वो भी भर दिन मतलब कि दिन भर काम करेंगे, तो यहाँ पर अब उनका या इसमें से भी कुछ मुखिया ही घोटाले करेंगे, तो 190 रुपया कोई मजदूर जाएगा काम करने, इसी कारण कोई भी मजदूर इसमें काम नहीं करने जाते हैं। यहाँ पर सरकार को लगभग 400-500 के करीब करना चाहिए, कि सरकार को आखिर करना चाहिए। तो ये था कि उनको मजदूरी कितना देना चाहिए, अभी की आपको यहाँ पर मजदूरी बता दिए कितना होना चाहिए, 189, यानी कि अभी इनको क्या है, 189 इनको मजदूरी है। अगला समझते हैं, अगला यहाँ पर भागीदारी को समझते हैं, यानी कि इस पर मतलब मनरेगा में कौन पैसा, यानी कि इसकी बजट कौन पास करती है, तो यहाँ पर दोनों पैसा लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट, यानी कि बिहार है मतलब कि कोई बिहार राज्य है तो बिहार का भी पैसा लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा लगेगा, यानी नरेंद्र मोदी भी पैसा लगेंगे और नीतीश कुमार भी पैसा लगेंगे, यानी कि दोनों का पैसा लगेगा, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगेंगे, और ये पंचायती राज में काम करता है, यानी कि मनरेगा कहाँ पर करता है, पंचायती राज्यों में काम करता है, यानी कि किसी शहर में ये मनरेगा काम नहीं करता है, गाँव में ये मतलब कि गाँव में ही मनरेगा काम करता है। ये तो समझ गए, अगला ये समझ, यहाँ पर हम आपको एक मनरेगा के अपडेट के बारे में बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये 2015 से पहले की स्थिति है और ये 2015 के बाद की स्थिति है, यानी कि 2015 से पहले जो मनरेगा में काम करते थे लोग, उनकी उम्र लगभग 35 से प्लस था, यानी कि 2015 से जो भी मनरेगा में काम कर रहे थे उनकी 35 से प्लस था, लेकिन अभी क्या है कि 2015 के बाद जो भी मनरेगा में काम कर रहे हैं अधिकतर क्या है कि 18 से 30 वर्ष के ही लोग अधिकतर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनका जो कारण देख सकते हैं रीजन, वो रोजगार को ही देखेंगे, मतलब कि इतना रोजगार बढ़ चुका है कि यहाँ पर लोग 289 रुपये में, यानी कि आप मनरेगा में काम करेंगे तो पर डे कितना दिया जाएगा, मतलब कि 189 रुपये में लोग जाकर के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप रोजगार को ही कारण मान सकते हैं। तो आगे ये समझते हैं इनके भ्रष्टाचार के बारे में, ये भ्रष्टाचार कैसे होते हैं, यानी कि घोटाले कैसे होते हैं, यहाँ पर घोटाले मतलब कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार बजट पास करती है, बजट तो पास कर देती है, मेन घोटाला होता है मुखिया के यहाँ, मुखिया कैसे घोटाला करती है वो समझिए। पहले क्या होता था कि मतलब कि ऑफलाइन सारे काम होते थे, पहले की बात कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन होता है फिर भी घोटाले हो रहे हैं, पहले ऑफलाइन होता था फिर भी घोटाला होता था, ऑफलाइन में कैसे होता था कि सारे पैसे किसके अकाउंट में आता था, मुखिया के अकाउंट में, अब मुखिया काम करवाती थी मनरेगा के तहत जो भी लोगों को, तो उन लोगों को पैसा देती थी, तो वहाँ पर घोटाला हो जाता था, लेकिन अभी ऑनलाइन हो रहा है, फिर ऑनलाइन काम हो रहा है फिर भी घोटाला हो रहा है, कैसे वो समझिए। मान के चलिए क्या हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि उनका कार्ड बन रहा है, जो भी मनरेगा में काम कर रहे हैं उनका कार्ड बनता है, और वो उस कार्ड में कार्ड बना तो वहाँ पर उनका खाता नंबर लिंक हो जाता है, तो आप जो भी काम करेंगे तो उनके खाते पर पैसे जाएंगे, तो फिर भी घोटाले कैसे हो रहा है वो समझिए। देखिए, उनके अकाउंट पर पैसा जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है कि फिंगरप्रिंट से पैसा निकलवाता है, और किसके घर आकर के निकलता है, तो मुखिया के घर,
वो मुखिया क्या कहता है कि आपको मतलब कि आपको बैंक से जाकर के पैसा नहीं निकालना है, आप हमारे घर आइए और हमारे घर से पैसा फिंगरप्रिंट लगाइए और पैसा निकालिए। आधार कार्ड से यहाँ पर पैसा निकल जाता है, तो इस स्थिति से वहाँ पर पैसा निकलता है और आधा मुखिया लेता है और आधा वो व्यक्ति लेता है और चला जाता है। वो आधा आखिर आधा था क्यों किया वो समझिए। होता क्या है कि जो व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति आया था वहाँ पर उनके घर पैसा निकाल ले और आधा आधा लेने, वहाँ पर घोटाले कैसे होते हैं, मान के चलो व्यक्ति मतलब कि लेबर कार्ड में जुड़ा है और वो काम नहीं करता है फिर भी वो अटेंडेंस बना देता है, मुखिया उसका अटेंडेंस बना दिया, वो काम नहीं किया और उनका अटेंडेंस बन गया, तो आखिर ये सोचे कि आखिर वो काम हुआ कैसे। तो वो जो काम बच जाता है वो काम करती है मुखिया, यानी कि वो जो काम बच गया वो मुखिया कैसे करती है, तो अपने किसी भी मशीन से करा दिया, जेसीबी से, इन सब से मतलब कि नहर सफाई कर दिया गया। लेकिन जो मनरेगा के लोग हैं वो वास्तव में काम किए ही नहीं, तो उनको भी फायदा हो जाता है कि हम काम किए ही नहीं हमको पैसा भी मिल गया। तो ये लोग क्या करते हैं कि दोनों आधा आधा बांट लेते हैं और अपना चले जाते हैं। यहाँ पर मनरेगा कहीं ना कहीं बहुत ही मिसयूज होता है इस मनरेगा का, सरकार इस पर बजट पास कर देती है लेकिन सही से इसका यूज नहीं हो पाता है। तो आगे हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इसमें मनरेगा कार्ड आपको कैसे बनता है, आखिर आप इसमें कैसे जुड़ेंगे, लेबर कार्ड ये सब जो होते हैं इन पर आपको कैसे जुड़ना होता है, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे के वीडियोज में बताएंगे। तो आज ये जो वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।